स्टार्ट। जय हिंद साथियों, मैं हूं लखन राठौर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल द बेस्ट फिजिकल एकेडमी। तो आज मैं हूं पीजी कॉलेज ग्राउंड पर और यहां पर अग्निवीर की भर्तियां प्रक्रिया चल रही है। पिछले 31 तारीख से लड़कों का आगमन यहां पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे और यहाँ तक कि उनके रहने की व्यवस्था तक नहीं थी और खाने की व्यवस्था और खाने की किल्लत तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये पीजी कॉलेज ग्राउंड और साई ग्राउंड सिटी से लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर सिटी से 2 किलोमीटर दूर है। तो क्या है कि बच्चों को पहले बच्चे यहाँ ग्राउंड देखने आते थे, फिर यहाँ से वापस खाना खाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल वहाँ तक जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेरे साथी आ रहे हैं भर्ती के लिए वो सारे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत तो सभी जितने भी आर्मी की भर्ती देखते हैं वो सभी को दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, और होटल की जो अभी डिमांड जो चल रही है, पैसे बढ़ा दिए गए हैं किसी होटल में, जो पहले जो किसी कहीं पर 90 रुपये थाली थी तो कहीं 120 कर दिए, किसी होटल में जहाँ रेंट रहने की सुविधा 150 में थी वहाँ 500 रुपये कर दी गई है। तो हमारे यहाँ पर पीजी कॉलेज ग्राउंड पर आज तारीख हो गई है कितनी, 4। दोस्तों ये जो प्रोग्राम आज ही से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क खाना है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि ये किन की तरफ से दिए। दोस्तों ये सभी लोग पहचानते हैं कि MBA चाय वाला और प्रफुल बिल्लोर है ना, और एक और जो संस्था है, क्या नाम है, विचारती संस्था, जो कि यही की संस्था है, धार की संस्था है। दोनों संस्थानों ने जितने भी हमने आर्मी भर्ती के लड़के जो आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रोग्राम रखा है खाने का। सुबह कितने बजे से स्टार्ट होगा? सुबह ग्यारह बजे से शाम की 6 बजे तक ये शाम के 7 बजे तक ये प्रोग्राम चल रहा है और बिल्कुल निःशुल्क प्रोग्राम है दोस्तों। जितना भी यहाँ पर खाना, चाहे वो 500 लड़के आ रहे हैं चाहे 1000 लड़के आ रहे हैं, और कहीं पास में भी एक कम्युनिटी है जो बुजुर्ग फैमिली जो रिटायर जो कम्युनिटी है उन्होंने भी रखा है, कहीं पास में एक और जो संस्था है उन्होंने भी बंजारा समाज ने, उन्होंने भी वहाँ पर भोजन की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क करी गई है। दोस्तों जितने भी मेरे भाई अग्निवीर यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको रिलैक्स की जरूरत है और एक अच्छे भोजन की जरूरत है। अभी हम दादा से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा भोजन बता देंगे दादा कि किस तरीके से। देखो अभी आप देख सकते हो कि भोजन बिल्कुल ढका हुआ और साफ एकदम स्वच्छ है, बिना कोई यहाँ पर गंदगी है, ना कोई मक्खी है, ना कुछ भी नहीं है। दादा ये पूरी अभी बनी है, बिल्कुल मैं अभी देखा है ये पूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि अगर निःशुल्क भोजन है तो कोई भी, बिल्कुल साफ एकदम खाना। ठीक है दोस्तों, और साथ ही सब्जी बनी हुई है, बिल्कुल अपने घर जैसी सब्जी बनी है दोस्तों, एकदम पानी वाली सब्जी नहीं है, आपको बिल्कुल खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अभी साथ ही साथ बता दूं आपको कि हल्के भोजन में भैया लोगों ने चावल भी रखे हैं और साथ ही साथ अगर किसी को देख लीजिए दाल भी रखी है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि दाल अगर गाड़ी है दोस्तों, प्योर दाल है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कहीं भी किसी भी प्रकार का भोजन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पानी भी एकदम चिल्ड वाटर है, देख सकते हो आप, है ना, पानी भी ऐसा टैंकर वगैरह नहीं रखा है, बिल्कुल चिल्ड वाटर और एकदम बिल्कुल क्लियर पानी है एकदम आपके लिए। कोई भी ऐसा कहीं भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये निःशुल्क है। अभी तो मुझे भी नहीं पता था, मैं जब यहाँ पर आकर खड़ा था, मेरे बच्चों को छोड़ने आया था मेडिकल के लिए, तो मैंने देखा कि यार किसी प्राइवेट संस्था ने ये रखा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप भी अगर आप आकर देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि किसी प्राइवेट संस्था ने, लेकिन बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। और अगर हाँ, पूड़ी के साथ साथ में आपको ताज़ा रोटी भी बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, जिसको अगर रोटी खाना है तो रोटी खा सकता है, जिसको पूड़ी खाना है तो पूड़ी खा सकता है। तो ये जानकारी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे देना थी, 3 जगह आपको भोजन की व्यवस्था है, पास ही में कॉलेज में आपको रुकने की व्यवस्था है दोस्तों। ये जानकारी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक शेयर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।